हेलो स्टूडेंट। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वाई एमिटर बेस जंक्शन जो होता है उसको फॉरवर्ड बायसिंग दी जाती है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है उसको रिवर्स बायस दिया जाता है। जनरली ये हमेशा हर जो हम ट्रांजिस्टर देखते हैं उसमें होता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो उसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये होता है कि जो ये एमिटर होता है इसमें क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, मतलब इसमें होल्स जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। तो एमिटर को यहाँ से क्या करना है, चार्ज कैरियर को एमिट करना है, ठीक है, टूवर्ड्स द बेस। तो वो कब करेगा, जब आप इस सर्किट को क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कलेक्टर, जैसे ये जो रीज़न है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा हम लोग किस बायसिंग में देते हैं, रिवर्स बायसिंग में देते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो एमिटर यहाँ से इसको एमिट कर रहा है होल्स को, वो इस कलेक्टर को कलेक्ट करना है। और ये कलेक्ट कब करेगा, जब इस सर्किट को आप रिवर्स बायस देंगे, ठीक है। क्या देंगे, रिवर्स बायस। तो एमिटर एमिट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा, और कलेक्टर जो है वो कलेक्ट करेगा जब वो रिवर्स बायसिंग में होगा, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है, अगर NPN की बात करेंगे तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़े से नॉलेज के लिए ये काफ़ी है।